आज इस वीडियो में मैं उस जवान की पूरी डिटेल कि आगे उसके साथ क्या हुआ, जिसके दो वीडियो में डाल चुका हूं, जो आप देखना चाहते हैं तो इसी रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आर टिप इसी चैनल में आप पीछे जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने एक में तो डाला था कि सीओ जवान की शिकायत लेकर पहुंचा पुलिस स्टेशन, दूसरा सीओ ने जवान को पुलिस के हवाले किया। ये दो वीडियो में डाल चुका हूँ, पूरी कहानी उसमें बता चुका हूँ। आज ये जो लेटर देख रहे हो आप, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई पुलिस ने रिमांड मांगा था, लेकिन रिमांड अभी तक कल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, हमारे वकील ने आज के लिए बोला कि आज उसकी जमानत हो जाएगी, तो उसी की पूरी मैं डिटेल यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ इस वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि रविंद्र फौजी को अगर किसी ने लगता है कि भाई रविंद्र फौजी अफसरों के खिलाफ है या सेना के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचने वाले अगर कुछ लोग मेरे से जुड़ गए हों तो वो गलत है। रविंद्र फौजी सिर्फ सिस्टम के खिलाफ है, उन अफसरों के खिलाफ है जो जवान के पेट पे लात मारते हैं। रविंद्र फौजी की अकेले की ताकत नहीं है, आप लोग जो 6,62,000 लोग जुड़े हुए ना, इन सब की ताकत की वजह से वो डरते हैं रविंद्र फौजी के नाम से। और मैं चाहता हूं कि मैं हजारों रविंद्र फौजी पैदा कर दूं, ताकि ये गलत करने के बारे में 50 वर्ष सोचे, इनकी रूह कांपे कि हाँ हम गलत करेंगे तो रविंद्र फौजी आ जाएगा। वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर जवान को न्याय दिलाना है तो। और कुछ एक लोग जो, क्योंकि ये विटनेस जो बनाते हैं जवानों को जेसीओ को, थोड़ा सा मना कर दो उसमें, अगर गलत है तो साहब हम नहीं करेंगे। जैसे इस वीडियो में अभी एक उस लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम हटा दिया गया, सीओ खुद दूर हो गया, अभी एफआईआर में सिर्फ एक मेजर का नाम रह गया है और 5 हमारे एक जेसीओ और जवानों ने मिलकर उनको लगाया गया है, लेकिन ये खुद हार जाएंगे, तुम लोग बचोगे। पूरी कहानी सुने, मैं बताता हूँ पूरे डिटेल के साथ। लेकिन जो हकीकत थी उस पर क्यों नहीं सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की? सेना जो हमारी इस चीज के लिए, एक सुई भी गुम हो जाती है ना सेना में, उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी महीनों लग जाती है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके ही रिजल्ट निकालेंगे, गलत नहीं करती है। तो फिर श्रीमान जी ने क्यों नहीं उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सीएमपी ने और उन्होंने पूछा उस समय क्यों नहीं इसकी इंक्वायरी चली कि पिस्टल कहां से आई, क्यों आई? क्योंकि उस समय इनको लग रहा था कि भाई हमारे को अफसर को बचाना है, और बचाना था तो सड़ा कोई बम नहीं था, एक पिस्टल मिल गई थी। बहुत बहुत ऐसे चीजें हमने सेना में रहते हुए देखी है, पता नहीं किस किस चीज को आप गुम कर देते हो, किन किन चीजों को अपने लिए, सेना की गाड़ियों को दिन रात इस्तेमाल करते हो, और हमारे जैसे जवान उसमें ड्यूटी कन्वेंस ऑफ ओआरएस लिखते हैं, कन्वेंस ऑफ ऑफिसर लिखते हैं, अफसर मेस एंड बैग लिख देते हैं, और गाड़ी चल रही है आपकी सिविल में मैडम को शॉपिंग के लिए, जो वहां आप चीजों को एडजस्ट कर सकते थे तो यहाँ क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ आपको पर्सनल खुंदक जवान से निकालनी थी, क्योंकि जवान ने आपके बीवी के और बच्चों के कपड़े धोने के लिए मना किया था। तो मेरी जो मेन लड़ाई है, पहली बात तो लड़ाई यही है, मेरी कोई अनिल मेरा रिश्तेदार नहीं है और ना ही वो कर्नल मेरा कोई निजी दुश्मन है, लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ सिस्टम के लिए है कि सिस्टम में जो ये सहायक प्रथा चल रही है ये खत्म हो। जवानों पर अननेसेसरी, जवान छुट्टी मांगता है उसको छुट्टी नहीं मिलती, भाई बंदे नहीं है, वैसे बोलेंगे तेरा कोई टोटल नहीं है फौज में, लेकिन जब भी छुट्टी मांग लेगा बोले बंदे नहीं है। बंदे हैं कहाँ? क्या 1,00,000 सेना भर्ती नहीं हो रही है? लेकिन सेना भर्ती नहीं होने के बाद में 1,00,000 सेना की कमी आप दिखा रहे हो, लेकिन आज भी आपके वो सहायकों की मैं जिससे भी फोन करता हूँ बोले भाई वही सीओ साहब के पास वही 3 ड्राइवर है, 2 खुद के, 1 मैडम का, और वही 3 सहायक है, कुक भी लिए बैठा है, ऊपर वाले भी लिए बैठे हैं, सभी के पास एक एक सहायक, उन चीजों को क्यों नहीं कम कर रहे? लगातार आज भी आपकी वही पार्टियां, बड़े पार्टियां जवान वेटगिरी कर रहे हैं, वो तो आप लोग बंद नहीं करते। बस जवान छुट्टी मांग रहा है तो स्ट्रेंथ की कमी है, जवान के वेलफेयर के लिए कमी है। जो मेडल वगैरह देख रहे हैं हम आज, राष्ट्रपति जी जो मेडल दे रहे हैं ज्यादातर उसमें अधिकारियों के नाम आते हैं। अंग्रेजों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब इन्होंने, अंग्रेज जो कि 70% मेडल जवानों के लिए आरक्षित। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, मुझे पता है कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा उस केस का, जिस केस में एक हमारे कमांडिंग ऑफिसर, एक कर्नल जो अपने ही यूनिट के जवान को पुलिस के हैंडओवर करते हैं, वो भी जब बंदा पहले ही उसको 12.5 साल सर्विस में अल्कोहल केस में उसको पहले ही घर भेज रहे थे, मतलब एक तो पेट पे लात उसके घर जाने की और दूसरी उसको पुलिस केस में फंसाने की,
यहाँ बहुत से जो बंदे इंतजार कर रहे होंगे आगे क्या हुआ। सबसे पहले बता दूं कि उसकी बेल आज लगी हुई है, हो सकता है आज शाम तक उसकी बेल हो जाएगी, नहीं तो कल 100% बेल हो जाएगी। वो सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर दी है, लेकिन यहाँ कुछ एक सवाल पैदा होते हैं। जैसा मैंने सबसे पहले बताया था कल की जो पहले पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उसमें पिस्टल के साथ साथ इन्वॉल्व था कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल के कनपट्टी पे गन रख के उसको कमरे में ले जाकर, मतलब उसको किडनैप करने का केस बनाया गया था, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास रखी हुई है, जो बंदा खुद भी बता रहा है। और पुलिस स्टेशन में जब उनकी वाइफ बताई है गई है, वहां वकील गए हैं, वकील साहब भी बताए कि अभी तक इन्होंने केस में ये है। लेकिन हमारे वीडियो के बाद जब मैंने बताया कि आप हर चीज को खरीद सकते हो, ठीक है, पैसे के जरिए पुलिस को खरीद लोगे, कानून को खरीद लोगे, सब कुछ खरीद लोगे, क्योंकि हिंदुस्तान में सब चीज बिका हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं खरीद सकते, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सीसीटीवी फुटेज से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, छेड़छाड़ करते ही पता चल जाएगा कि छेड़छाड़ की गई है। दूसरा, फोन कॉल जिस बंदे पर, जिस लेफ्टिनेंट कर्नल का किडनैपिंग का आरोप लगा रहे थे, उसी ने उसको कॉल किया कि आप आ जाओ यहां से, हम चलते हैं खाने पीने के लिए, तुम वैसे भी अभी तो जा रहे हो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। तो पहली कॉल को, फोन कॉल उसके फोन से है, उसको क्या आप हटा दोगे वहां से? ठीक है, सीसीटीवी फुटेज भी आप कोशिश करोगे कि बार में जाकर एक भाई इनको मत देना वो देना, कब तक नहीं दोगे? वहां से वहां तक बहुत जगह जगह सीसीटीवी आते हैं, सभी में से हटा दोगे क्या? फोन कॉल हटा दोगे क्या? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। हालांकि ये एक बुलेट प्रूफ प्लान था उस बंदे को फंसाने के लिए, लेकिन उस प्लान में कई बार क्या होता है कि किसी को फंसाने के लिए आप प्लान बना रहे हो, लेकिन जो हमेशा गलत होता है ना, वो गलत ही होता है। और कहीं ना कहीं गलती करने वाला इंसान जरूर गलती छोड़ता है, क्योंकि जब केस बना था तो इस लेफ्टिनेंट कर्नल के द्वारा केस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जो लेफ्टिनेंट कर्नल को मैंने एक पहले ही वीडियो डाला था, जो सबसे पहले वीडियो डाला था कि भाई एक सीओ जवान को लेकर पुलिस स्टेशन गया, वो वीडियो जो मैंने डाला था, उस वीडियो के बाद ही लेफ्टिनेंट कर्नल उस जवान से मिलते हैं, जबकि छुट्टी गए हुए थे, तुरंत रिटर्न आते हैं, वीडियो डालते हैं, उनको पता चलता था भाई कहानी तो ऊपर तक गई है, रविंद्र फौजी तक कहानी आने का मतलब है आर्मी हेडक्वार्टर तक वो चीजें पहुंचना। हमारे वीडियो पर आर्मी हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये रोक लगवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते ये लोग हैं कि हाँ क्या है। और मैं फिर कहता हूं, पहले भी मैंने कई बार कहा है कि सेना में सभी अफसर खराब नहीं है, कुछ एक लोग जिनका जमीर मर चुका है वो लोग ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। अफसर ऐसे भी हमने देखे हैं कि आपको हो सकता है कई बार गाली गलौज भी निकाल दें, हो सकता है कई बार उल्टा सीधा भी कह दें, ग्राउंड में सजा भी दे दें, लेकिन पेट पर लात मारने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बोलते हैं ना कि पीठ पे जवान की पे लात मार दिया तो वो उसको झेल जाएगा, लेकिन पीठ के साथ साथ पेट पर लात मार देगा तो उसके बच्चों को और उनको सबको नुकसान में। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग ऐसे नहीं है, कुछ एक लोग अच्छे भी हैं, और उन अच्छे लोगों के पास भी जब वीडियो जाता है ऊपर तक वो कार्रवाई करते हैं, तब ये जो नीचे चूजे है ना, जो ज्यादातर वही घटना करते हैं, जब नया नया चूजा बाहर निकलता है तो सोचता है कि मैं पता नहीं क्या बन गया, बोलते हैं ना बंदर को वो पंसारी, बोलते हैं ना बंदर को हड्डी की गांठ मिल जाती है तो पंसारी समझ बैठता है, वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वे सर्वा। लेकिन जब उसको लगता है कि हाँ मैं जंगल में शेर भी है, हाथी भी है, और बहुत बड़े बड़े जानवर भी है, रीछ भालू सब बैठे हैं, जैसे वो रिकॉर्डिंग डली उसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल बंदे से संपर्क करते हैं कि भाई वहां ऐसे ऐसे रिपोर्ट बनाई गई है, लेकिन मैं उस पर साइन नहीं किया हूं, मतलब उस साहब ने उसी दिन साइन नहीं किया था उस वीडियो के बाद में। और दोबारा जब मैंने कल ये वीडियो डाला उसके बाद में वो चीजें केस से हटा दी गई। अभी जो केस में है वो आपको मैं ये लेटर दिखा सकता हूँ, इसकी मोटी मोटी हेडिंग जो लेटर में लिखी हुई है, सिर्फ अब उस पर जो चार्ज है जवान पर वो ये लगाया गया है कि जवान के मेजर साहब जो कंपनी कमांडर हैं उनके द्वारा सिर्फ इतना ही चार्ज कि भाई ये यूनिट से एबसेंट हुआ था, और इसको ढूंढने के लिए एक जेसीओ और 5 जवानों की टोली बाहर निकली थी, और वो इसको ढूंढते ढूंढते इसके क्वार्टर पर पहुंची,
तो क्वार्टर से बंदा भाग रहा था पिछले दरवाजे से, तो उन लोगों ने इसको पकड़ लिया और इसके हाथ में पिस्टल थी और वो एक अवैध हथियार था। यहाँ इन लोगों के द्वारा, जो पुलिस के द्वारा कोर्ट में ये दाखिल किया गया है चार्जशीट, और पुलिस ने रिमांड भी मांगा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई, मैं बता रहा हूँ शाम तक फैसला आएगा, 3 दिन का इन्होंने मांगा था। हालांकि उनकी वाइफ के द्वारा मैंने कल ही वहाँ पुलिस स्टेशन में पूरी कहानी लिखवाई है, जो हकीकत है, जो मैंने कल वाले वीडियो में बताई थी। मैंने जो कल भी वीडियो डाला है और एक वीडियो और डाला है, ये दो वीडियो मैंने डाले हैं, जो कि भाई एक जवान को लेकर पुलिस स्टेशन जो CO गया है उसके लिए, वो वीडियो आप मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आर टेप में देख सकते हो। ये होने के बाद में हमारे जो वकील ने वहाँ दलील वगैरह दी है, तो उन्होंने आज कहा कि आज जमानत हो जाएगी, कोर्ट ने वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की हैं। हाँ, बात यह है कि जो पहले ये आरोप लगा रहे थे गन का, तो इसमें ये वो फिल्मी ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब इनको मैंने सिर्फ चंद एक सवाल ही पूछे थे कि अगर कोई करप्टी पर गोली लगाएगा, अगर बाई चांस मैं किसी को किडनैप करता हूँ और मेरे पास गन है, तो मेरे सामने वाले को मैं फ़ोन करने दूंगा कि जब फ़ोन करके बंदे बुला ले, तो उसके बाद में किडनैप वाला मैं ही उसके साथ बार में घूम रहा हूँ, ऐसे भी नहीं होगा। तो बहुत सी कमियाँ ऑटोमेटिकली छूट जाती हैं प्लान में, जब प्लान तो आप करते हो, लेकिन प्लान के साथ कुछ ना कुछ जो ऊपर बैठा ना उसका प्लान, सबसे बुलेट प्रूफ प्लान उसका ही होता है उस प्लान को, और वो हमेशा सच्चाई के साथ देता है। तो आज वो लेफ्टिनेंट कर्नल का केस तो हट गया है, वो एक केस जवान के ऊपर है, उसमें मैंने कह दिया वकील साहब को, तो वकील साहब ने बताया कि अब जो पुलिस सिर्फ ये 3 दिन का रिमांड के लिए मांग रही है कोर्ट के, लेकिन कोर्ट देगा नहीं, अभी पुलिस जो फिर इस पर जांच पड़ताल करेगी, चालान पेश करेगी, तो जो उनकी पत्नी ने लिखवाया है वो पूरी स्टोरी, उस स्टोरी पर पुलिस जांच करेगी और उसके बाद एविडेंस जुटाएगी और फिर आएगी कहानी। अब यहाँ कहानी सिर्फ क्या है, उसका पिस्टल का जांच करना, अवैध हथियार का। यहाँ मैं आपको इतना बता दूं कि जवान, जैसा ये जवान है हमारा अनिल, इसके पास ओरिजिनल वैसे ही लाइसेंसधारी पिस्टल है और वो पिस्टल इसके घर में है। अगर इसको ऐसा कोई कांड करना था तो वो अपनी लाइसेंसी पिस्टल भी रख सकता था, बल्कि वो पिस्टल भी इसकी वाइफ ने, इसके बच्चों ने, इसके गांव में, वो इसके पास सुरक्षित रखी हुई है। इसको अवैध हथियार की जरूरत कहां थी? अब सिर्फ केस यह है कि अवैध हथियार वाला। यहां CO साहब ने अपनी चालाकी के साथ साथ एक चीज और छोड़ दी। मेरे वीडियो से मैं उन कर्नल महोदय को कहना चाहता हूं कि जब आपने ये केस पकड़ा, उसके बाद बंदा केस के बाद में 4 दिन MH में भी रहा है, 8-10 दिन बाद आपने पुलिस को हैंडओवर किया है उसकी सारी कार्रवाई करने के बाद में, तो आपने जब ऑन ड्यूटी जवान के साथ ये किस्सा पकड़ा, आपकी टीम गई है, आपकी टीम ने पकड़ा है, उसके बाद वहां से CMP आई है, आर्मी इंटेलिजेंस भी आई है, पूछताछ जब जवान से हुई है, तो उससे पहले इनकी चोंच मिली हुई थी, वो कर्नल द्वारा अनिल को भी बोला गया कि भाई तेरा पिस्टल का इसमें कोई नहीं है, तू उसका जिक्र ही मत करना। बाकायदा इसके बयान की वहां वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है CMP और उस द्वारा। जब उस रिकॉर्डिंग में कहीं पिस्टल का काम CO साहब भूल गए कि बाद में हम इस पर आरोप लगाएंगे और इसको हैंडओवर करते टाइम पुलिस को दिखा देंगे कि भाई पकड़ी गई थी, लेकिन वो ये भी भूल गए कि वहां भी आपकी जो फौज हैंडओवर करने जा रही है उसकी वाइफ से लिखाने की कोशिश कर रही है कि आप लिख के दोगे हमने आपके हैंडओवर कर दिया, अब पुलिस का और आपका काम आप सुन लो। तो वो उनकी वाइफ ने वो वीडियो बना दिया, ये मैं आज भी ये दिखा रहा हूँ ये वीडियो, वो कल भी मैंने दिखा दिया था कि ये वीडियो, इन चीज़ों को आप झुठला नहीं सकते। फिर आपके वहाँ जो टीम है वो भाग रही है, उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आज आप जो सच्चाई को, क्योंकि जब आपकी टीम गई है वहाँ दोनों लोग मौजूद थे, दोनों लोग भाग रहे हैं और उसमें से एक को हटाना, और फिर आप जैसे CO साहब कह रहे हो वैसे राग को अपना, कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है वहां, आप नहीं तो कल आपकी आने वाली पीढ़ी उसमें फंसेगी। गलत का साथ मत दो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कहता कि 100% वो जवान गलत नहीं है या वो नहीं है, लेकिन जो हकीकत थी उस पर क्यों नहीं सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की? सेना जो हमारी इस चीज के लिए एक सुई भी गुम हो जाती है ना सेना में, उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी महीनों लग जाती है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके ही रिजल्ट निकालेंगे, गलत नहीं करती है, तो फिर श्रीमान जी ने क्यों नहीं उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर CMP ने, और उन्होंने पूछा उस समय क्यों नहीं इसकी इंक्वायरी चली कि पिस्टल कहाँ से आई, क्यों आई? क्योंकि उस समय इनको लग रहा था कि भाई हमारे को अफसर को बचाना है, और बचाना था तो सड़ा कोई बम नहीं था, एक पिस्टल मिल गई थी। बहुत बहुत ऐसे चीजें हमने सेना में रहते हुए देखी है, पता नहीं किस किस चीज को आप गुम कर देते हो, किन किन चीजों को अपने लिए, सेना की गाड़ियों को दिन रात इस्तेमाल करते हो,
और हमारे जैसे जवान उसमें ड्यूटी कन्वेंस ऑफ ओआरस लिखते हैं, कन्वेंस ऑफ ऑफिसर लिखते हैं, अफसर मेस एंड बैग लिख देते हैं और गाड़ी चल रही है आपकी सिविल में मैडम को शॉपिंग के लिए, जो वहां आप चीजों को एडजस्ट कर सकते थे तो यहाँ क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ आपको पर्सनल खुंदक जवान से निकालनी थी, क्योंकि जवान ने आपके बीवी के और बच्चों के कपड़े धोने के लिए मना किया था। तो मेरी जो मेन लड़ाई है, पहली बात तो लड़ाई यही है, मेरी कोई अनिल मेरा रिश्तेदार नहीं है और ना ही वो कर्नल मेरा कोई निजी दुश्मन है, लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ सिस्टम के लिए है कि सिस्टम में जो ये सहायक प्रथा चल रही है ये खत्म हो। जवानों पर अननेसेसरी, जवान छुट्टी मांगता है उसको छुट्टी नहीं मिलती, भाई बंदे नहीं है, वैसे बोलेंगे तेरा कोई टोटल नहीं है फौज में, लेकिन जब भी छुट्टी मांग लेगा बोले बंदे नहीं है। बंदे हैं कहाँ? क्या 1,00,000 सेना भर्ती नहीं हो रही है? लेकिन सेना भर्ती नहीं होने के बाद में 1,00,000 सेना की कमी आप दिखा रहे हो, लेकिन आज भी आपके वो सहायकों की मैं जिससे भी फोन करता हूँ बोले भाई वही सीओ साहब के पास वही 3 ड्राइवर है, 2 खुद के, 1 मैडम का, और वही 3 सहायक है, कुक भी लिए बैठा है, ऊपर वाले भी लिए बैठे हैं, सभी के पास एक एक सहायक, उन चीजों को क्यों नहीं कम कर रहे? लगातार आज भी आपकी वही पार्टियां, बड़े पार्टियां जवान वेटगिरी कर रहे हैं, वो तो आप लोग बंद नहीं करते। बस जवान छुट्टी मांग रहा है तो स्ट्रेंथ की कमी है, जवान के वेलफेयर के लिए कमी है। जो मेडल वगैरह देख रहे हैं हम आज, राष्ट्रपति जी जो मेडल दे रहे हैं ज्यादातर उसमें अधिकारियों के नाम आते हैं। अंग्रेजों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब इन्होंने, अंग्रेज जो कि 70% मेडल जवानों के लिए आरक्षित होते थे कि भाई जवान ग्राउंड पे काम करता है 70% मेडल के हकदार वो है, और जो आप एसी में टेंट में बैठ के टेंटों में या एसी कमरों में बैठकर जो करते हो ना, आपके तो टेंटों में भी एसी गीजर हीटर सब कुछ लगे हुए हैं, टॉयलेट तक सारा एसी चलता है, तो उन लोगों को सिर्फ 30% मेडल मिलते थे जो भी बिल्कुल काम करने वालों को। लेकिन अब उल्टा हो गया, जवानों के लिए मात्र 20% बचे हैं जो ग्राउंड में, और 80% ये खुद ही ले रहे हैं। जो हमारा पेंशन था पहले के टाइम में कि भाई जवान की तनख्वाह कम है, जवान 15 साल अपना जो क्रीम बोलते हैं ना क्रीम, उसकी जो 18 से 30-35 साल की जो उम्र है उसका निचोड़ लेते हैं, वो जाके सिविल में क्या करेगा, तो उसको 70% पेंशन दी जाती थी, अफसरों की 30% थी, इन्होंने उठा के अपनी 50 कर ली और हमारी कम कर दी। लेकिन एमएस पे अभी भी इनकी 3 गुना ज्यादा है, हमारी कम है, उसको बराबर करने के लिए नहीं बोलेंगे। बहुत से मुद्दे हैं जिन पे लड़ाई जारी रहेगी, लड़ते रहेंगे। इस केस की आज शाम को जैसे उसकी जमानत हो जाती है, उस बंदे के द्वारा ही पूरी हकीकत का वीडियो हम डालेंगे, या फिर मैं एक मैसेज मैंने वैसे उस वीडियो में भी दिया था और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को आज भी दे रहा हूँ कि आपने अगर सीओ के कहने पर यह चाल रची थी जवान को फंसाने की तो आप नहीं बचोगे किसी भी हालत में, आपको एक्सपोज हम करेंगे। अगर गलती से आपने जवान का साथ देते हुए या हो सकता है वास्तव में दोस्ती करते हुए गलती से फंसे हो तो वो आपका काम है कि आप जवान को निकालें, ना कि बेचारा पहले ही 12.5 साल में जा रहा है, फिर वहां 10-20 हजार वकीलों को भरेगा और दिक्कत करेगा, केस पे केस चलेगा, तो ये निकालने का काम आपका था। मैंने इस वीडियो में नाम नहीं लेने का मकसद सिर्फ यही था कि आप इस हकीकत को जाने और जिस कर्नल ने गलत किया उसका साथ न देकर जवान का साथ देकर जवान को बचाएं। इसलिए मैं इस वीडियो में उन चीजों उन लोगों के नाम रोकता हूं ताकि वो सुधर जाए। पहले एक सुई के जगह अगर सुई काम करोगे तो ठीक रहेगा, पहले में तलवार निकाल दोगे तो अगला आदमी फिर वो भी अपना बचाव में तलवार ही निकालेगा। बहुत से लोग कहते हैं नाम नहीं बताने का तो उसका कुछ मकसद होता है। रविंद्र भोजी इतनी लंबी जो लड़ाई लड़ रहा है उसका कारण सिर्फ यही है, आज तक मैं कोई मिर्च मसाले डालकर कोई चीजें नहीं बनाता हूं। जो बहुत से चैनल चल रहे हैं ना मिर्च मसाले, एक दूसरे को गाली गलौज, उल्टी भाषा, वो हमारे तक को भी उल्टा बोलते, मैं देखता रहता हूँ, बोलने दो। कुत्तों को भौंकने से अगर हाथी की चाल बदल देगा तो फिर वो हाथी हाथी नहीं है। इसलिए हमारी जो चाल है, हम जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसी के ऊपर चलते हैं। बल्कि उस सच्चाई को आधा काट कर रखता हूँ, उसका रीजन यही है कि पहले वो चीज इन्हीं से ठीक हो जाए, नहीं तो फिर वो आगे जैसे कोर्ट कचहरी जाते हैं तो ऑलरेडी ओपन हो जाते हैं। फिर कह रहा हूँ अगर इस जवान का आगे भविष्य ठीक नहीं हुआ, उनका साथ नहीं दिया, तो सब चीज़ें उजागर हो जाएंगी। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।